स्वागत है आपका जॉब्स एंड नॉलेज विद अरुण में। आप इस चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब देख लीजिए, अगर आपने बीकॉम किया है, आप फ्रेशर हैं, तो आपके लिए बहुत बेहतरीन सरकारी नौकरी निकली है। और इस नौकरी में कैसे आवेदन करना है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, सैलरी आप जान ही रहे हैं, 1 लाख से ज़्यादा सैलरी दे रहे हैं जो फ्रेशर की। आपको पूर्ण रूप से सरकारी नौकरी है। अब हम बात करते हैं क्या वैकेंसी है और किस तरह आपको अप्लाई करना है। एज लिमिट के बारे में बात करेंगे, लास्ट डेट के बारे में बात करेंगे। वीडियो बिल्कुल स्किप मत करिएगा, चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देखिए इनका जो नोटिफिकेशन निकला है। चलिए पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट है जहां पर बीकॉम वालों के लिए इस तरह की वैकेंसी निकली है। तो आइए हम आपको पूरा बताते हैं डिपार्टमेंट क्या है। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्रबल स्टूडेंट्स, जिसको संक्षेप में हम लोग नेस्ट कह सकते हैं, ठीक है। तो ये एक भारत सरकार की ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रबल अफेयर्स के अंतर्गत काम करती है और गवर्नमेंट इंडिया के अंतर्गत आती है, ठीक है। अब इन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मांगे हैं अकाउंटेंट के लिए, ठीक है। इसमें इन्होंने बीकॉम मांगा है। अब EMRS इसका जो जहां पर ज्वाइनिंग होनी है वो है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, यानी EMRS। अब वैकेंसी जो है वो 300 से ज़्यादा वैकेंसी है, पूरा दिखाऊंगा टोटल कितनी वैकेंसी है, ठीक है। तो ये देख लीजिए EMRS, ये परिचय हो गया है, ये डिपार्टमेंट है, ठीक है। अब इसमें आपको 1000 रुपये का एप्लीकेशन फीस लगेगी, ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस। कैसे आपको अप्लाई करना है ये भी मैं बताने जा रहा हूँ अभी आपको। अब इसमें आप देख लीजिए अकाउंटेंट की जो टोटल वैकेंसी निकाली है ना, 361 निकाली है, ठीक है, 361 वैकेंसी निकाली है। इसमें आपको अप्लाई करना है। और ये अकाउंटेंट है, इसके लिए केवल बीकॉम वालों के लिए इन्होंने आवेदन मांगे हैं। अगर आपने बीकॉम किया है, कॉमर्स साइड से आपने ग्रेजुएशन किया है और आप जनरल में आते हुए आपकी उम्र 30 साल से कम है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कोई अनुभव नहीं मांग रहे हैं, केवल फ्रेशर मांग रहे हैं ये। अगर आपके पास अनुभव भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एज 30 साल से कम होनी चाहिए। SC ST और OBC को 3 साल और 5 साल का जो रजिस्ट्रेशन दिया जाता है वो उनको पूरी तरह मिलेगा। अब आप देख लीजिए, जैसे मैंने सैलरी बताया था कि अकाउंटेंट की सैलरी उन्होंने रखी Level 6 के अंतर्गत आपकी सैलरी रहेगी, यानी 1 लाख से ज्यादा आपका इनहैंड वेतन आएगा। इनिशियल वेतन आपका 1 लाख से ज्यादा बनेगा, 1,12,000 के तकरीबन बनेगा, ठीक है। अब इसका एग्जाम पैटर्न अगर आप देखना चाहें तो एग्जाम पैटर्न भी देख सकते हैं कि किस तरह ये CBT एग्जाम लेंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप का, ठीक है। तो अकाउंटेंट के लिए देखिए 130 मार्क्स का क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का, 4 पार्ट में होगा, Part 1, Part 2, Part 3 और Part 4। रीजनिंग एबिलिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड से पूछे जाएंगे 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज कंपिटेंसी टेस्ट से पूछे जाएंगे 20 क्वेश्चन, वहीं पर बेसिक नॉलेज से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस के और करंट अफेयर्स के। द टेस्ट विल बी ऑफ 2 आवर्स, 2.5 आवर, यानी 2.5 घंटे का टेस्ट होगा, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए टोटल मार्क्स जो है 130 मार्क्स का पेपर है ये। तो ये इसका एग्जाम पैटर्न हो गया अकाउंटेंट के लिए है। केवल बीकॉम मांग रहे हैं, इसके अलावा कोई डिग्री नहीं मांग रहे हैं, ठीक है। वैकेंसी बहुत निकली, लेकिन ये मैंने स्पेशली बीकॉम वालों के लिए बताना चाहा, क्योंकि बीकॉम वालों को भी पता नहीं है कि EMRS में उनके लिए 300 ज़्यादा वैकेंसी निकली, क्योंकि बहुत से इनबॉक्स जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर है उन्होंने मुझको मैसेज किया कि सर थोड़ा बताइए बीकॉम वालों के लिए EMRS में किस तरह की वैकेंसी निकली, कैसे अप्लाई करनी है। तो ये सब आप देख लीजिए। मार्किंग स्कीम की अगर बात करें तो 1 मार्क सेल बी अवॉर्डेड टू एवरी करेक्ट आंसर, वहीं 0.25 यानी 1/4 सेल बी डिडक्टेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। नेगेटिव मार्किंग उन्होंने 1/4 मार्क्स की रखी है, यानी आप सही करेंगे तो 1 मार्क्स पाएंगे, अगर आपने गलत कर दिया तो 0.25 मार्क्स आपका कट जाएगा। पूरा जो इसका नोटिफिकेशन है वो नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, ठीक है। सिलेबस भी है उसमें, सब कुछ है, ठीक है। पूरा सिलेबस भी देख सकते हैं कि अकाउंटेंट में क्या सिलेबस मांग रहा है वो, ठीक है। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं नहीं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ, लेकिन आप लोग पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बता ही दिया आपको, जो अकाउंटेंट के लिए मांग रहे हैं, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, SC ST OBC को 3 साल और 5 साल का रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा, ठीक है। डिग्री ऑफ कॉमर्स यानी कि BCOM आपके पास होना जरूरी है। अगर आपके पास बीकॉम है तो ये नौकरी आपका इंतजार कर रही है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत सालों बाद ये वैकेंसी निकली है EMRS में, ठीक है। अब देख लीजिए, अगर आप शेड्यूल ट्राइब से SC ST से आपने बीकॉम किया है तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा,
वहीं पर आप अदर बैकलैंड यानी ओबीसी से हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। इसी तरह आप देख लीजिएगा, सबको रिलैक्सेशन है। सामान्य के लिए इन्होंने जनरल के लिए 30 साल रखी है, ठीक है। पीडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए भी छूट दे रहे हैं ये, वो सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो चैनल पहली बार आए, आपको लगता है कि इस तरह की जॉब और गवर्नमेंट जॉब से रिगार्डिंग आपको करियर अपडेट रेगुलर बेसिस मिलता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में आके पूरा आप लोग देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस तरह जॉब और करियर से रिगार्डिंग खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।